चलिए दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, इसमें आपको क्या करना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑड वन है वो आपको फाइंड करना है। ऑड वन मतलब कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिए 671352211 और 561 दिया है। अगर लॉजिक देखोगे यहां पर तो ये 6+1 करोगे तो 7 होगा, यहां पर 3+2 करोगे तो 5 होगा, और यहां पर 5+1 करोगे तो यहां पर 6 होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर 2+1 है तो यहां पर 1 दिया है, यहां पर 3 होना चाहिए था। तो ये जो है ऑप्शन ये ऑड वन है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, ऑड वन होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लेके आओ, देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आओ, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। ये चार ऑप्शन में से आपको फाइंड करना है कौन सा ऑड वन है। तो दोस्तों यहां पर आप देखोगे अल्फाबेट और नंबर दोनों साथ में दिए हैं, तो यहां पर सी दिया है, यहां पर जे दिया है, वाई दिया है, के दिया है। तो सी का अल्फाबेट नंबर क्या होगा, सी का अल्फाबेट नंबर जो होता है वो 3 होता है, और हम यहां पर देखेंगे 1 और 2 दिया है। तो 1+2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और अल्फाबेट लेटर सी का क्या होता है, 3 होता है, ये तो सीख गए हम लोग। लेकिन दोस्तों यहां पर देखोगे 3+6 जो है वो 9 होता है, और यहां पर 9 होता है, लेकिन J का अल्फाबेट नंबर जो होगा वो 10 होता है। ठीक है, यहां पर चेक कर लेते हैं हम लोग, 14+11 कितना होगा, 25 होगा, और Y का अल्फाबेट नंबर जो है वो 25 होता है। यहां पर देखते हैं 5+6 जो होगा वो 11 होगा, और K का अल्फाबेट नंबर 11 ही होता है। तो समझ गए हम लोग ये जो ऑप्शन बी है ये ऑड वन है, क्योंकि J का अल्फाबेट नंबर जो है वो 10 होता है, और यहां पर प्लस करने पर 9 आ रहा है, तो यही है ऑड वन। और दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो कि अल्फाबेट नंबर को कैसे याद रखे, तो उसके लिए एक वीडियो बनाया है मैंने, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, अगर आपने वो देख लिया तो अल्फाबेट नंबर याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख लेना। और चलिए लेके आया हूं, देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आओ। अब मुझे बताइए कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑड वन आउट है, कौन सा डिफरेंट है। यह पता करने के लिए आपको बहुत सारे लॉजिक लगाने होंगे, लेकिन सिंपल लॉजिक है दोस्तों। आपको क्या करना है, ये 1 है, यहां पर 4 है, तो 1+4 कितना होगा, 5 होगा, और 5+5 कितना होगा, यहां पर 10, और 10+1 यहां पर 11 आता है। तो यहां पर देखिए 1+1 2, 2+4 आपका 6 होगा, 6+3 9, 9+2 कितना होगा, 11 होगा। ओके, यहां पर 2+7 कितना होगा, 9 होगा, 9+1 10, 10+1 11, तो यहां पर 11 है। यहां पर देखोगे तो 2+4 कितना होगा, 6, 6+3 9, और 9+3 कितना होगा आपका, यहां पर 12 होगा। तो आपको समझ ही गए होंगे कि यहां पर 11 11 आया हुआ है, यही ऑप्शन जो है ये ऑड वन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। तो सम स्ट्रक्चर्स पर दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ खास लेके आया हूं, क्या खास बात है आइए आपको बताता हूं। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बुक रेफर करने वाला हूं मैं, ये बुक दोस्तों 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का टर्म 2 स्टार्ट हो चुका है, और बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये है कि किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से प्रिपरेशन करें जिससे दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो आप लोगों के लिए ये बुक है, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों CBSE चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा कुछ मिल जाएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बुक के अंदर 1100 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएगा, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक चीज यहां पर डिटेल में मिलेगा आपको। और साथ ही साथ दोस्तों एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी यहां पर दिए हुए हैं। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम जो कंडक्ट हुए हैं इन 10 साल में, उन 10 सालों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। और आपको यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहां पर जो भी क्वेश्चन में अटक जाओगे वहां पर QR कोड दिया हुआ है, वो QR कोड को स्कैन करके भी इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि एक पेज मैंने यहां पर देखा है, उस पेज में एक लिखा हुआ है कि आप आपके खुद एग्जाम क्रिएट कर सकते हो, मतलब सैंपल पेपर क्रिएट कर सकते हो भी 2 मिनट में। और आपको यहां पर फैसिलिटी ये दी गई है कि आप इजी, मीडियम, हार्ड ये सब चीज आप सेट कर पाओगे, और टाइमर भी सेट कर पाओगे। किसके अंदर देखोगे, oswal.io के अंदर। तो ये दोस्तों यहां पर QR कोड स्कैन करना है जिससे आप इजीली आप अपने सैंपल पेपर क्रिएट कर सकते हो और ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लगी है, इसलिए मैं आपको रिफर कर रहा हूं। दोस्तों अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन
में लिंक दिया है, फटाफट जाके आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आपके सामने और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर अल्फा ऑर्डर नंबर दिया है और आपको फाइंड करना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑड वन है, कौन सा डिफरेंट ऑप्शन है। तो यहां पर दोस्तों ए दिया है और यहां पर टू दिया है, और ए का अल्फाबेट नंबर जो होता है वो क्या होता है, वन होता है। तो यहां पर टू कैसे आया होगा, तो आपके दिमाग में ऐसा होगा कि एक काम करते हैं यहां पर प्लस वन करके यहां पर टू लिख लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब सेकंड ऑप्शन में आओगे आप, तो यहां पर आई दिया है और आई का अल्फाबेट नंबर क्या होता है, तो यहां पर आपको बताने जा रहा हूं नाइन होता है। तो यहां पर 90 दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, तो आपका दिमाग बोलेगा भाई मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। लेकिन यहां पर प्लस है, यहां पर मल्टीप्लाई, तो ये लॉजिक तो सेट होता है नहीं है, तो कुछ और सोचना होगा हमें। तो एक काम करते हैं हम लोग, 90 लाने के लिए अल्फाबेट नंबर जो है आई का वो 9 है, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, और 81 में प्लस 9 करूंगा तो आपको 90 मिल जाएगा। तो दिमाग में ये सेट हो गया, अगर यहां पर 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो सेम नंबर को यहां पर प्लस करना होगा जिससे आपको 90 मिल जाएगा। यहां पर भी वही हो रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो ये लॉजिक सेट हो रहा है। यहां पर देखोगे डी देखोगे तो डी का अल्फाबेट नंबर कितना होता है, 4 होता है। 4 का स्क्वायर करोगे, यहां पर 4 का स्क्वायर किया तो प्लस 4 करूंगा मैं, तो 4 4 16 प्लस 4 आपका 20 होगा। देखिए ये आ गया है, अब इसकी बारी है। ऑप्शन सी में देखिए ओ का अल्फाबेट नंबर जो होता है वो होता है आपका 15 होता है, राइट। और 15 का अगर स्क्वायर करोगे प्लस 15 करोगे तो 15 कितना हो जाएगा, 225 होगा। प्लस आप 15 करोगे तो 5 + 5 = 10, कैरी 1 2 3 4, यहां पर 4 240 होगा। और दोस्तों यहां पर 275 है, तो यही ऑप्शन जो है वो ऑड वन है। उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको समझाया मैंने एकदम क्लियर समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, इसमें आपको क्या करना होगा कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑड वन है वो आपको फाइंड करना होगा। तो कैसे करोगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी ऑड वन आउट के अंदर अगर मंथ के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको क्या करना है, उस मंथ का नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए मे दिया हुआ है, तो मे का नंबर ऑफ डेज कितना होता है, 31 होता, तो यहां पर 31 लिख लेता हूं। और जनवरी में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 31 होता है, तो यहां पर लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं सितंबर, तो सितंबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 30 होता है, तो यहां पर मैं 30 लिख लेता हूं। और यहां पर ईच टू दिया हुआ है तो यहां पर लिख लिया। नवंबर, नवंबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 30 होता है। लेकिन ये दो देखकर हमें कोई हिंट नहीं मिल रहा है, आगे हमें करना होगा। तो अक्टूबर में दोस्तों कितने डेज होते हैं, अक्टूबर में होता है 31 डेज होता है, और अप्रैल में कितना होता है, 30 होता है। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं 13:30। यहां पर देखिए जनवरी, जनवरी में डेज कितने होते हैं, 31 डेज होता है, और दिसंबर में कितना होता है दोस्तों, 31 होता है। तो आपको यहां पर हिंट मिल गया कि यहां पर जो रेशियो दिए हैं ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है, ये सेम है और ये सेम है। लेकिन देखिए ये दो जो है दोनों डिफरेंट है, तो आपको इतना हिंट मिल गया है और इस लॉजिक से आप मैजिक करके आपने आंसर फाइंड कर लिया। ऑप्शन सी जो है वो ऑड वन है। आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आया हूं, देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे और सॉल्व करना क्या है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑड है वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले काम करते हैं, यहां पर अल्फाबेट दिया है तो अल्फाबेट का नंबर लिख लेते हैं हम लोग। तो जेड का नंबर क्या होगा, 26 होगा, और यहां पर डब्ल्यू का नंबर क्या होगा, 23 होगा, मैंने यहां पर लिख लेता हूं। उसके बाद देखिए टी का अल्फाबेट नंबर 20 होगा और क्यू का कितना होगा आपका, 17 होगा। एस का कितना होगा दोस्तों, 19 होगा, और पी का अल्फाबेट नंबर क्या होगा, 16 होगा। यह सब मैं लिख लिया मैंने। यहां पर एन जो है वो अल्फाबेट नंबर जो है 14 होगा, और एल का अल्फाबेट नंबर यहां पर 12 होगा। ये नंबर तो मैंने लिख लिया मैंने, लेकिन क्या करेंगे यहां पर, तो एक काम करते हैं इन दो नंबर का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो मैं यहां पर डिफरेंस निकालूंगा तो इसका आंसर आएगा 3 आएगा, इसका डिफरेंस निकालूंगा तो इसका आंसर 3, इसका डिफरेंस निकालूंगा तो इसका आंसर भी 3 हो रहा है। तो यहां डिफरेंस निकालने जाऊंगा तो यहां पर 2 आ रहा है, मतलब ये सब का डिफरेंस सेम है, इसी का डिफरेंस सेम नहीं है। तो मतलब ये चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी जो है वो ऑड वन है। तो उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूं, देखिए ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूं, इसमें आपको क्या करना है, ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑड है वो आपको निकालना है, मतलब इन ऑप्शन में से सबसे डिफरेंट वाला जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो कैसे करोगे, तो यहां पर देखिए 4 3 1 है और यहां पर 64 है, तो ये कैसे हुआ होगा, तो एक काम करते हैं 4 + 3 यहां पर 7 कर लेता हूं, 7 + 1 कितना होगा, 8 होगा, और 8 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 64 आ जाएगा। यहां पर भी चेक कर लेते हैं 3 + 2 कितना होगा,
5 होगा और 5 प्लस 2 कितना होगा 7 होगा और 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 मिल जाएगा। और यहां पर देखिए दोस्तों 9 प्लस 1 कितना होगा 10 और 10 प्लस 7 कितना होगा 17 होगा, तो 17 का आप स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा 289 मिलेगा। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है 2 प्लस 4 कितना होगा 6 होगा और 6 प्लस 6 कितना होगा 12 होगा और 12 का मैं स्क्वायर करूंगा तो आंसर 144 आना चाहिए, लेकिन यहां पर जो दिया है 196 दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी जो है वो ऑड वन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और आखिरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां पर देखिए चार ऑप्शन दिए हैं और चार ऑप्शन में से कौन सा ऑड है वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो हमेशा बात मेरी याद रखिए, जब भी अल्फाबेट दिया होगा तो अल्फाबेट नंबर आप लिख लीजिए। तो यहां पर सी का अल्फाबेट नंबर क्या होगा 3 होगा और एफ का अल्फाबेट नंबर क्या होगा 6 होगा और डी का अल्फाबेट नंबर आपका 4 होगा, ये मैंने लिख लिया। मैंने यहां पर देखिए जी है तो जी का अल्फाबेट नंबर होगा आपका 7 होगा और J का अल्फाबेट नंबर यहां पर 10 होगा और H का जो होता है वो 8 होता है। सब कुछ लिख लीजिए पहले, तो K का अल्फाबेट नंबर 11, N का जो है वो 14 और M जो है वो होगा 13 और J का अल्फाबेट नंबर क्या होगा यहां पर 10 होगा और M का अल्फाबेट नंबर यहां पर 13 और K का अल्फाबेट नंबर यहां पर 11। अब आपको लगेगा कि अब रट्टा मार के आए हो सर, ये कैसे आपने लिख लिया? तो दोस्तों बताना चाहूंगा, इसके लिए एक वीडियो बनाया मैंने, वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आपने वो देख लिया तो अल्फाबेट नंबर का रिवर्स वे में और ऐसे अल्फाबेट नंबर कैसे याद रखते हैं डिटेल में सिखाया मैंने। अगर आप भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले ये 3 है यहां पर 6 है, तो आप मुझे बताइए क्या प्लस हो रहा है यहां पर, प्लस 3 हो रहा है। यहां पर देखोगे आप अगर तो ये माइनस 2 हो रहा है और यहां पर देखोगे 7 देखिए प्लस 3 होने से 10 हो जाएगा और 8 कैसे होगा माइनस 2 करने पर 8 होगा। यहां पर भी देखोगे आप प्लस 3 करने पर 14 होगा और 14 में अगर आप माइनस 1 करोगे तभी 13 आएगा, ठीक है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहां पर देखोगे आप 10 में प्लस 3 करोगे तो 13 होगा और 13 में अगर माइनस 2 करोगे तो 11 होगा। अब सब देख लीजिए ऑप्शन, सब लोग देखिए ये जो है सेम है, बस यही एक ऑप्शन जो है वो डिफरेंट वन है माइनस 1 है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो ऑड होगा। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज जो समझाया मैंने इस वीडियो में आपको पसंद आया है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 आपको चाहिए अगर तो प्लीज कमेंट करके बताना और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करना जरूर और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना सके। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना अल्लाह।